नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स दे विच गोल्ड मैडल जितया, ये सब जानते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करन किवें लगे, इस खेड दे विच किवें आए, ये कहानी शायद किसी नूं ना पता लगे। ये कहानी अज डिस्कलोज़ करांगे। साडे नाल उसके बचपन के दोस्त विशाल ने, जिन्हां नूं पूरी कहानी पता है कि आखिरकार नीरज चोपड़ा किवें जैवलिन थ्रो खेडन लगे, इस खेड दे विच आए, उस तो बाद किवें मकबूलियत लगातार हासिल करते रहे। विशाल, सब तो पहला स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा च। धन्यवाद जी। विशाल जी, किवें वो आए जैवलिन थ्रो करन लगे, किवें उन्होंने जिंदगी दे विच अगे अगे पैर वधाए, क्योंकि तुसी लगातार उस दे बचपन दे साथी हो, जिवें साडी गल होई सी, तुसी दस्या कि बचपन तो ही तुसी उन्हां दे नाल हो, तुहाडे सीनियर भी सी, एक क्लास एक साल सीनियर सी तुहाडे तो। की कहानी सी पूरी? जब बचपन में हम एक साथ खेला करते तो उसका, नीरज का वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, ओवर वेट हो गया था, उसे चूरमा खाना बहुत पसंद था। तो उसका वेट घटाने के लिए शुरू में उसका 2010-11 के आसपास उसका जिम ज्वाइन करवाया। उस टाइम नीरज कितने साल की उम्र थी? उस टाइम नीरज यही बचपन में मान लो 12-13 साल की उम्र होगी उस टाइम। उस कितना सी उस टाइम? उसका वेट 80-85 किलो वेट हो गया था। 11-12 साल की उम्र के 80-85 किलो वेट सी, 85 किलो वेट हो गया था। तो वेट घटाने के लिए उसको जिम ज्वाइन करवाई थी, लेकिन जिम में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि उसका वेट कम होया हो। फिर उसके चाचा भीम और सुरेंद्र पानीपत उसको लेके जाते थे, कई बार वो बस में भी जाता था, लिफ्ट लेके भी जाता था। शुरू में तो उसको भी आनाकानी करने लग गया था वो, लेकिन आराम आराम से उसको समझ में आने लगा कि तेरा वेट ज़्यादा है। फिर वो पानीपत शिवाजी स्टेडियम में जाने लगा और वहाँ जिम ज्वाइन की थी। शिवाजी स्टेडियम, वो शिवाजी स्टेडियम के बाहर ही है एक जिम, वहाँ ज्वाइन की थी। फिर वो शिवाजी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करने लग गया, तो वहाँ वो जैसे दूसरे बच्चे खेलते थे, कोई जैवलिन खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई वॉलीबॉल खेलता था, तो उनको देख के वो कभी कोई सा गेम खेलने लग गया था। तो वहाँ उसकी भेंट एक जयवीर नाम के लड़के से हुई, जो उसका पहला कोच है। उसने उसको नीरज के हाथ में जैवलिन थमा के देखा, तो उसने जैवलिन बहुत दूर फेंका, तो इसी वहीं से उसकी जैवलिन की स्टोरी शुरू हुई। उसी दिन से वो जैवलिन की प्रैक्टिस करने लगा और आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। फर्स्ट टाइम जब जैवलिन सिटी सी, कोच ने सटवाई सी, तक कितनी सिटी सी? उसने बहुत अच्छा थ्रो फेंका था, 50-60 मीटर तक वो पहुंच गया था उस टाइम भी। कोच तो भी तुझे दस रहे सी, कोच तो भी ज़्यादा सिटी सी उस टाइम? नहीं, कोच से तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो वहाँ बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे 1-2 साल से, उनसे ज़्यादा आगे निकल गया था वो। अच्छा अच्छा, तो उन्हें लग गया कि मैनू जैवलिन में कुछ कर सकता है। उस तो बाद कितने साल प्रैक्टिस करते रहे? उसके बाद वो 5-6 साल प्रैक्टिस की, और वो फिर प्रैक्टिस के लिए पंचकूला भी रहे हैं 1-2 साल। फिर पंचकूला से पटियाला नेशनल कैंप में भी प्रैक्टिस की, और 2016 में अंडर 20 में उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 86.48 मीटर बनाया। तो उसके बाद उसकी मैंने उस अंडर 20 के बाद रिकॉर्ड बनाने के बाद उसका हाईलाइट हो गया, सर सभी की नज़रों में आ गया, भाई ये बच्चा कुछ कर सकता है देश के लिए। तो दो तीन साल पहले कॉमनवेल्थ में भी उसका गोल्ड आया था, और एशियन गेम्स में भी जब भी घर पे आता वो गोल्ड ही लेकर आता है। आज तक गोल्ड तो नीचे जीते ही नहीं? हाँ, गोल्ड से कम तो जीते ही नहीं। गोल्ड तो ऊपर था, फिर डायमंड होता, कोई डायमंड सीरीज भी खेलता? वो डायमंड लीग भी कई बार खेल लिया है उसमें, लेकिन ओलंपिक ज़्यादा बड़े गेम है। ओलंपिक में भी अब आपके सामने है जो उसका रिजल्ट आया है, पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन वो अपना पर्सनल बेस्ट तो नहीं कर पाया जो उसका 88.7 मीटर है, लेकिन उससे भी बढ़कर कर दिया है। वैसे नीरज का नेचर किस तरीके का है, किस तरीके का स्वभाव है? नीरज बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, वो कभी किसी से गुस्से में बात नहीं करता। जब भी आता है तब सभी से मिल के जाता है गांव में। जब छोटे थे तो बहुत शरारतें भी करते थे, बरामदे में वैसे बंदी रहती थी तो उनकी आपस में पूछ बांध देते थे, तालाब में स्विमिंग भी करते थे वैसे के ऊपर बैठ के।
अच्छा शरारत भी करते? हाँ शरारत भी बहुत करते थे। कभी सोचा सी क्या इस तरीके नाल गोल्ड मेडल जीत लूगा ओलंपिक गेम्स? नहीं शुरू में तो सोचा नहीं था, लेकिन अब नीरज ने करके दिखा दिया है। 121 साल के बाद एथलेटिक में पहला गोल्ड आया है। ये सपना था मिल्खा सिंह का भी सी ना कि गोल्ड मेडल? ये मैं जो गोल्ड मेडल जीता नीरज ने अभी परसों ही बोला है कि भी ये मेडल मेरा मिल्खा सिंह को समर्पित है। लेकिन मिल्खा सिंह तो आज यहाँ नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे देख जरूर रहे होंगे, खुश होंगे वो। धन्यवाद जी गलबात करने के लिए। विशाल जो कि नीरज के दोस्त ने ते बचपन तो इकट्ठे रहे ने, बचपन दी यादा भी जड़ियाँ उन्होंने दसियां, अते वो इस गेम दे विच आए किवें, किस तरीके नाल शुरुआत हुई, ओवरवेट होण करके शिवाजी स्टेडियम दे विच गए, उत्थे प्रैक्टिस करनी शुरू की, वेट घटाना शुरू किया, फिर उस बाद वो इस गेम दे विच आए अते अज इस गेम दे विच गोल्ड मैडल उन्होंने जित लिया, तो किते ना किते बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबा हार्डवर्क जिहड़ा रहा, फिर ही अज पूरी दुनिया दे विच उसने पूरे देश का नाम रोशन किया। कैमरामैन दीपक दिनार, रविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, पानीपत। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत, जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, टीजा कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। आज पंजाब दा नौजवान अपने आप को ठगिया महसूस करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर घर नौकरी देने का वादा किया, पर नौकरी की देनी सी अपने ही मंत्रियों के बच्चों नौकरी दे दी। 10 साल श्रोमणी अकाली दल का राज सी, तकरीबन असी उदों 237,000 सरकारी नौकरियां दित्तियां सी, ते कई इलाके असी प्राइवेट सैक्टर च असी इन्वेस्टमेंट लैके आए सी जिहदे नाल नौकरियां बनियां। मैं वादा करदा सारे नौजवानों नूं कि अगले 5 साल घट तो घट असी 1,00,000 सरकारी नौकरी जरूर देवांगे। इन्वेस्टमेंट पंजाब च लियाउणी मेरी प्रायोरिटी होगी, इत्थे इन्वेस्टमेंट भी लैके आवांगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनावांगे, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,00,000 ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।